शवरमा बनाने के लिए फर्स्ट हम बोनलेस चिकन लेंगे, उसको ऐसे एकदम पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। ऐसे ही करके मैंने सारे चिकन को ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। ये अराउंड 300 ग्राम्स चिकन है। चिकन के इस पीसेस में हम डालेंगे अदरक का पेस्ट हाफ स्पून, लहसुन का पेस्ट हाफ स्पून, नमक स्वादानुसार, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, फेटी हुई मलाई, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अराउंड 1 स्पून दही, और ऐड करेंगे काजू और मिर्चियों का पेस्ट। इसका पेस्ट ग्राइंड करके डालेंगे। काजू और मिर्ची डाल रही हूँ मैं, काजू और मिर्चियों का पेस्ट। अराउंड 7-8 मिर्चियाँ ली थी मैंने और एक हैंडफुल काजू लिया था, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको से मिक्स कर लिया। अब इसको ढक कर अराउंड 15-25 मिनट्स तक मैरिनेट होने दूंगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं, जितनी देर मैरिनेट करोगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम बनाएंगे शवरमा के लिए चटनी या सॉस, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो इसके लिए मैंने एक जार में अराउंड 2 टेबलस्पून मायोनीस लिया है। ये मैंने वेज मायो लिया है, आप चाहे तो कोई भी मायो ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी दही, कर्ड, हंग कर्ड, अराउंड 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी। इसमें ऐड करूंगी 2 स्मॉल साइज की मिर्च, फ्रेश कोथमीर कोरिएंडर लीव्स, नमक, जीरा अराउंड 1 स्पून। इसको मैं अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। अब मैंने एक नॉनस्टिक की कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 स्पून बटर डाला है। अब उसमें मैं ये अपनी मैरिनेटेड चिकन डाल दूंगी। एकदम लो फ्लेम पे इसको कुक करूंगी। आराम से 15-20 मिनट्स पकने देंगे, जब तक चिकन टेंडर नहीं हो जाता। हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। ना चाहिए जू, मैं यूजुअली शवरमा वीट की चपाती का ही बनाती हूँ, क्योंकि वीट हेल्दी भी होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है। ये रोटी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। आप चाहे तो पीटा ब्रेड भी बना सकते हो या मैदे का भी कुछ रोल जैसा बना सकते हो, बट मैंने चपाती बनाई। होममेड पीटा ब्रेड की रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। इसको अच्छे से सेक लेंगे। रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम एक सिल्वर फॉइल का कटोरी बना के रखेंगे, और यहाँ पे मैंने रेड हॉट कोयला गरम किया है, उसको डालेंगे इसमें।
और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के लिड क्लोज कर देंगे और अच्छे से 15 टू 20 मिनट्स क्लोज रखेंगे। इसे स्मोक ऑब्जर्व कर लिया है इसने, अब इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छे से इनको और स्मॉल पीसेस कर देंगे ऐसे चमचे से। मैंने प्लेट में बटर पेपर ऐसे फोल्ड करके रखा है, इस पर मैं अपनी शावरमा की रोटी रखूँगी। इस पर मैं ये चटनी स्प्रेड करूँगी जो हमारा शावरमा का सॉस है। इस पे रखूंगी चिकन, ऑनियंस डालेंगे, और ये कैरेट है जिसको मैंने विनेगर सॉल्ट और लेमन के जूस में भिगो के रखा था। आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कैबेज, बीटरूट, बेल पेपर, सब कुछ यूज़ कर सकते हो, बट मुझे शवरमा में ज़्यादा वेजीज पसंद नहीं है, सिर्फ मैंने कैरेट ही डाला है। अब इसको रोल करके रैप करेंगे, फोल्ड करके रैप करेंगे और हमारा टेस्टीएस्ट शवरमा रेडी है।